welcome to your online classes of science standard 6. Today we shall discuss short answer type question of chapter 3. इससे पहले मैंने आपको वेरी शॉर्ट बनाया था, अभी यहाँ पे शॉर्ट टू के बोल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से यार्न मतलब धागे को बनाने की जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो आंसर क्या है, मैंने बंच ऑफ फाइबर्स इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड कॉल्ड यार्न। जब फाइबर के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू एक लंबे और मजबूत थ्रेड धागे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग यार्न। क्या कहते हैं, यार्न। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़ों को क्यों पहनते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। हम कपड़ों को पहनते हैं किसके लिए, टू प्रोटेक्ट अस, हम अपने रक्षा करने के लिए, किससे, फ्रॉम हीट, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से एंड इंसेक्ट कीड़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़ों को पहनते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, हम सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हैं, ऊनी कपड़े ही क्यों पहनते हैं। तो वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर्स बिकॉज दे ट्रैप द बॉडी हीट, हम लोग सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी की हीट को ट्रैप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द बर्ड्स मैन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, दुनिया की जो मुख्य जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, देश हैं, उनको आपको लिखना है। तो इंडिया, बांग्लादेश एंड थाईलैंड आर दी मैन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड जो हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जूट के उत्पादन वाले देश कंट्रीज हैं। ओके, नोट डाउन।